तो भैया, आप मेरे सामने जो मोटरसाइकिल देख रहे हैं ये है MT-15 वर्जन 2। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देर इज़ नो V3 इन MT। बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने देखा है कि लोग लगाते हैं कि V3, बट देर इज़ नो V3। तो है क्या, बेसिकली V2 ही है। V2 में दो वर्जन आए थे, एक में ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं आया था और डुअल चैनल ABS नहीं था, दो ये अपसाइड डाउन फोक्स थे उसमें, बट इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल एंड दोनों साइड में ABS है। तो दिस इज़ V2 ओनली, बट द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ V2। तो इसका मैंने साड़ी गार्ड निकाला हुआ है, क्योंकि साड़ी गार्ड के बिना ये ज़्यादा बेटर लग रही है, और साड़ी गार्ड में फुट रेस्ट नहीं आता है, लेडीज़ फुट रेस्ट नहीं आता है, वो आपको अलग से लगाना पड़ेगा। एंड आई डोंट इवन नो कि वो यामा में आता भी है या नहीं आता है। तो आई थिंक दिस लुक्स मच बेटर, राइट। अच्छा, कुछ लोग जो हैं ये इसका ये पार्ट निकाल देते हैं, और उससे क्या होगा, इसकी लेंथ और कम लगेगी। आई डोंट थिंक सो कि इसको निकालना चाहिए। तो वैसे बात करेंगे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, ये देखो, इट्स ऑसम मैन। तो वैसे ये है देखो ओडोमीटर, ओडो के बाद ट्रिप 1, ट्रिप 2, और इसके बाद एक एफ भी आता है जो कि एक रिजर्व वाला ऑप्शन आता है, जिसके बाद ये टाइम आ रहा है, और किलोमीटर पर लीटर और एवरेज किलोमीटर पर लीटर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो पहले वाला है उसमें करंट किलोमीटर पर लीटर आएगा, और इसमें ओवरऑल जो आपकी बाइक दे रही है। और यही मेरा एक कंसर्न है, जो कि ये वाला एवरेज किलोमीटर पर लीटर अभी नहीं चल रहा है। आई डोंट नो व्हाई, हो सकता है कि ये कुछ किलोमीटर्स बाद चलता हो। इसके बाद आता है आपका एवरेज कितनी स्पीड रही, तो अभी मेरी ये 29 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड दिखा रहा है, और ये TCS ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है, और इसको हम ऑफ भी कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरा वीडियो बनाने का कंसर्न ये भी था कि एक तो यहाँ पे जो एवरेज किलोमीटर पर लीटर आ रहा है ये कब आता है, इफ़ समबडी नोज वो मुझे बता दे कमेंट सेक्शन में। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, लाइक इसको आप लॉन्ग प्रेस करेंगे, ये देखो लीटर्स पर 100 किलोमीटर्स, और इसके बाद आएगा एवरेज लीटर पर 100 किलोमीटर। है ये भी वही, बट इसको थोड़ा सा चेंज कर देता है, किलोमीटर्स पर लीटर, और इसमें देखो लॉन्ग प्रेस एवरेज लीटर पर 100 किलोमीटर, बात वही आएगी, बट आपको ये डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि हमें क्या करना पड़ता है कि टाइम के लिए भी एक टॉगल करना पड़ता है लाइक दिस। तो आई थिंक टाइम जो था यहाँ पे कहीं पे ऑलवेज डिस्प्ले होना चाहिए, तो टाइम के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पे ये गियर शिफ्ट इंडिकेटर है, आपका आरपीएम में क्या है, 3470 आरपीएम पे अगर जाएगी तो एक VVA किक करने होता है। VVA मतलब आप एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आप समझ लो कि एक पावर रिजर्व है एक तरीके का, मतलब बाइक आपकी पावर जनरेट कर देगी 7400 आरपीएम पे, आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें पावर कम हो रही है, तो अचानक से ऐसा होगा कि पावर बूस्ट हो जाएगी। तो इसका ये पर्पज़ है, ये आपका फ्यूल इंडिकेटर है, ये तो मैंने आज तक किसी भी बाइक का सही चलता हुआ देखा ही नहीं है। एनीवेज ये सब बातें होती रहेंगी, और मतलब मैंने मेरे दो ही कंसर्न थे, एक तो क्या था कि यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी टाइम हमेशा ऑन रहना चाहिए। इसके बाद आपके यहाँ पे ऐप्स आती है, ऐप मतलब कि यामाहा की एक ऐप आती है, आई विल शो यू। आपको क्या करना है, ब्लूटूथ ऑन करना है, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद आपकी ये एक ऐप है वाई कनेक्ट करके, ये आप देख सकते हो, ये एक ऐप है यामाहा की, ये अपनी। तो अब देखो ये कनेक्ट हुई है, और जैसे ये कनेक्ट हुई आपने देखा होगा, अलाउ कर दो उसको, तो आपने देखा होगा यहाँ पे देखो, एक सेकंड फोकस कर देता हूँ, ये देखो यहाँ पे ऐप फ़ोन की बैटरी और ये ऐप कनेक्ट हो रखी है, तो ये एक आइकन आ रहा है यहाँ पे देखो, फ़ोन की बैटरी और ये आइकन आ रहा है, तो जैसी कोई कॉल आएगी यहाँ पे आपका ब्लिंक कर जाएगा, इवन द मैसेजेस। और इस ऐप में क्या क्या है, इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है ये। इसमें देखो आपका ये ऑटो आ ही रहा है, बाकी इसके बारे में एक डिटेल्ड मैं एक और वीडियो बना दूंगा। तो और दूसरा मेरा ये कंसर्न था कि जो ये आपको क्या होता है, बार बार आपको ये वाले बटन से टॉगल करना पड़ता है,
जबकि और बाइक्स पे मैंने देखा है कि यहाँ पे एक आई बटन होता है, आई बटन से आप यहीं से चलाते हुए भी आप उसको टॉगल कर सकते हो। तो आई थिंक डैट इज़ मच मोर इजियर एंड बेटर। तो गाइज इसके लिए इतना ही, और किसी को अगर ये पता हो कि ये मेरा एवरेज किलोमीटर पर लीटर जो है ये अभी नहीं चल रहा है तो कब चलेगा, आई थिंक ये कुछ किलोमीटर्स बाद चलता होगा, तो वो भी किसी को पता हो तो प्लीज़ बता दें, क्योंकि यामा में जिस तरह से मैंने पूछा कि उनको इस बारे में कोई नॉलेज है नहीं अभी, तो आई थिंक आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।